कम ही दिखाई देते हैं। और यहाँ पे भी देखने को मिला, दो चार लोग यहाँ पे भी कह रहे थे कि गिने चुने लोगों के यहाँ आप जाते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, 2017 से गोपालपुर वर्तमान विधायक तो कौन विकास वसीम अहमद थे, बढ़िया विधायक। ये कौन सी मार्केट है चाचा? सरदहा बाजार। अच्छा, सरदहा मार्केट है। तो आपने 5 साल में कभी नफीस अहमद को देखा है? वर्तमान तो चमचंद का कहे हुए हैं आम आदमी। साथी से कि यहाँ पे कौन कितना विकास किया है, कौन विकास से बचा है, क्या नाम है भैया आपका? अवधेश यादव। यादव जी, जैसा कि ये आपका दोबारा अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत काफी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा। तो यहाँ पे क्या विकास कोई विधायक किया है अभी तक, क्या नहीं किया है? अभी तो विकास तो कोई नहीं हुआ है फिलहाल में। अच्छा, यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? वसीम अहमद है। अरे नसीब अहमद। अच्छा, नसीब अहमद। नसीब अहमद यहाँ के विधायक है, उन्होंने क्या विकास किया है दौरांचल के लिए? देवरांचल के लिए काम थोड़ा दिए हैं, पीच उच का और आरसीसी उसी का काम यही सब दिए हैं। लेकिन हमें देखने में जो आ रहा है कि अभी जगह जगह पे पानी लगा हुआ है और लोग लगा रखे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये सब अभी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है देवरांचल के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे भैया? इसके बारे में मैंने क्या बताऊँ अब। राम भैया, सत्यदेव यादव। यादव जी, ये बताएंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, कितना विकास से वंचित पड़ा हुआ है? विकास तो भैया यहाँ अपने विधायक तो यहाँ हमारे यहाँ थे जी, लेकिन हमारे यहाँ काम तो विधायक वर्तमान हुआ तो चमचंद काम कर हुए हैं, आम आदमी काम ना कर हुए। यहाँ के विधायक कौन है? नफीस अहमद। अच्छा, नफीस अहमद। हाँ, आपने कभी उनको देखा? हाँ देखा हूँ, एक बार। अच्छा, एक बार केवल आपने देखा है? एक बार। ठीक है, इलेक्शन आ रहा लगातार घूमे थे। अच्छा, 5 साल में केवल इलेक्शन के समय पे आए हैं और चेहरा अपना, क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है? जमीन जसवी। जैसा कि यहाँ के वर्तमान विधायक नफीस अहमद हैं जी, आपके यहाँ कितनी बार आए थे? अरे हम तो 2 ही बार जाने। अच्छा। और आते हैं बस अपने खास आदमी के पास आते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा, जैसा कि वो 5 साल कार्यकाल में केवल कुछ नहीं किए। अच्छा, काम भी कुछ भी नहीं किए? कुछ नहीं किए। आप लोग उनसे बहुत नाराज हैं? मैं क्या, बहुत पूरा गांव ही नई जो पीढ़ी के बच्चे हैं 20 साल 18 साल बहुत नाराज हैं। हाँ, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से मान लीजिए विधायक जी को टिकट मिलता है उनको तो क्या? उनको तो नहीं मिले तो अच्छा है, बल्कि वसीम के बीवी को देना तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उनकी सबको चाह है। और यहाँ पे कौन कौन आया था प्रत्याशी में? प्रत्याशी में यहाँ कोई नहीं आता, बस वही नफीस एक दो बार आए 1 मिनट के लिए, एक बार स्कूल पे आए थे, वो आजमगढ़ वो पड़ाके की फैक्ट्री थी उसमें आग वो लग गई, भाग गए। अच्छा, बच्चे क्रिकेट टूट कर। जैसा कि ये 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने आपके गांव में कुछ भी काम नहीं, कुछ नहीं किया, वो बड़े लोग का किए। अच्छा, हम लोग को भी जानने में कुछ नहीं किया। कोरोना जैसी महामारी है, कभी नहीं आए कोरोना में, कभी हल नहीं लेने को नहीं आए, ऐसे लोगों को विधायक मिल जा रहा है? अगर मैं तो पहले ही आपसे बता दिया, उनको यहाँ कोई चाहता ही नहीं, बस उनके खास लोग चाहते हैं और कोई नहीं चाहता। कभी दिखाई देते हैं और यहाँ पे भी देखने को मिला, दो चार लोग यहाँ पे भी कह रहे थे कि गिने चुने लोगों के यहाँ आप जाते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता दूँ, 2017 से गोपालपुर की जनता ने मुझे अपनी सेवा अपनी खिदमत करने का मौका दिया। उस दिन से सड़क से लेकर विधानसभा तक मैंने गोपालपुर की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। हम जहाँ भी हमें सूचनाएँ मिली, सुख दुख में हमने पहुंचने का काम किया। आपको मैं बता दूं, जिस सड़क से आप आए हो बिलरियागंज से रौना पार्क की सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। मैंने विधानसभा के अंदर सवाल लगाया, विधानसभा के अंदर इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के सामने आवाज़ को बुलंद किया और इस सरकार को मजबूर किया कि उन्होंने 77 लाख रुपया देकर इसको रिपेयर करने का काम किया। आपकी तमाम ऐसी सड़कें हैं, चाहे बिलरियागंज कस्बे की सड़क हो, चाहे आपकी अभी रुद्रपुर सरदहा हो, सरदहा से भीमबर बन रही हो, अभी तमाम ऐसी सड़कें हैं जो पास हो गई हैं, वो तमाम सड़कों के मुद्दे पे मैंने उठाने का काम किया। यही नहीं, दीवारा हमारा क्षेत्र बड़ी तादाद में वहाँ गन्ना किसान बसते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, उन गन्ना किसानों का भुगतान रोक दिया गया। मैंने विधानसभा के अंदर गन्ना मंत्री के सामने अपने गन्ना किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। इसी कंधे पर गन्ने का बोझ लेकर जाकर विधानसभा के अंदर मैंने आवाज़ को बुलंद किया और इस गूंगी बहरी सरकार को, अंधी सरकार को
जगाने का काम किया कि हमारे गन्ना किसानों का जनवरी से जो भुगतान था उस भुगतान को दिया जाए, चीनी मिल की व्यवस्था कैसे सुधरे उसके ऊपर उठाया। तो ये चंद लोग ऐसे हैं जो ये रूमर उड़ाते हैं, लेकिन महान जनता है गोपालपुर की और मुझे भरोसा है कि फिर से एक बार यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मतों से जिताकर भेजने का काम करेगी। यहाँ की जनता के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ कि नफीस अहमद के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे यहाँ की जनता।